लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। भारत और चीन के बीच सैन्य अधिकारियों के स्तर पर हुई बातचीत में दोनों पक्षों ने सीमा पर चरणबद्ध तरीके से तनाव घटाने पर सहमति जताई है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि बातचीत में दोनों ही पक्ष एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आए। सूत्रों का यह भी कहना है कि गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों ही पक्षों के बीच आगे भी सैन्य एवं कूटनीति के स्तरों पर कई बैठकें आयोजित हो सकती हैं। ये भी पढ़े डैश वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में सीधे इंटरव्यू से विभिन्न पदों पर हो रही है भर्ती। 10वीं पास लास्ट डेट से पहले करे आवेदन। बिजली निगम सीमित में कंपनी सचिव के पदों पर भर्ती, डायरेक्ट मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। लास्ट डेट निकट, जल्द करे आवेदन। कोचीन शिपयार्ड में 10वीं पास के लिए नौकरी करने का सुनहरा मौका। सूत्रों ने बताया कि आगामी बैठकों में मसले का आपसी सहमति से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के आधार पर समाधान निकालने की कोशिश होगी। इस तीसरी बैठक में दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से पीछे हटने पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कि कोर कमांडर लेवल की यह बातचीत काफी लंबी चली और इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया। बैठक में भारत ने चीनी पक्ष को 2-2 कहा कि एलआईसी पर उसे पूर्व की स्थिति बहाल करनी ही होगी। बता दें कि अब तक चीन के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हर बार वे तनाव कम करने की बात जरूर करता है, लेकिन जमीन पर उसकी कथनी और करनी में फर्क साफ नजर भी आता है। सूत्रों की माने तो लद्दाख में पर चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती की है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास एलएसी पर अपने 20,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने भी अपनी 2 डिवीजनों की तैनाती की है। सूत्रों की माने तो इस इलाके में चीन 2 डिवीजनें ही तैनात रहती हैं, लेकिन इस बार उसने काफी पीछे अपने इलाके में बैकअप के तौर पर करीब 2 अतिरिक्त डिवीजनें भी लगा रखी हैं।